बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे, पहले भौगोलिक खोजें। तो देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो किस कहाँ का यात्री था, पुर्तगाल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किन से सीखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अरबों से। नेक्स्ट है, धर्म युद्ध हुआ था तो ये कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, ईसाइयों और तुर्कों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलंबस मूल निवासी था। अब कोलंबस कहाँ का मूल निवासी था, वो था जिनेवा का मूल निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी द नेविगेटर राजा था तो ये कहाँ का राजा था, ये पुर्तगाल का राजा था। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, एस्ट्रोलॉब किस प्रकार का यंत्र था। तो एस्ट्रोलॉब किस प्रकार का यंत्र था, ये था अक्षांश बताने वाला यंत्र। कौन सा था, अक्षांश बताने वाला यंत्र था। नेक्स्ट है, कैरोलिगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शार्लमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा। जो सामंतवाद व्यवस्था की भूमि का मालिक होता था वो राजा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यापारी वर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी का। मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था, जर्मनी का रहने वाला था। नेक्स्ट है, द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्लिफ ने। किसने की थी, विक्लिफ ने की थी। नेक्स्ट है, अमेरिका का पता किसने लगाया था। तो अमेरिका का पता किसने लगाया था, कोलंबस ने। किसने लगाया था, कोलंबस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ब्राजील की खोज किसने की थी। तो ब्राजील की खोज की थी आपकी कैब्रल ने। किसने की थी, कैब्रल ने की थी। 14 नंबर का क्वेश्चन है, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिको वेस्पुसी के नाम पे। नेक्स्ट है 15 नंबर, जमोरिन कहाँ का राजा था। तो जमोरिन कहाँ का था, ये था कालीकट का। कहाँ का राजा था, कालीकट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था। तो अब्दुल मजीद कहाँ का था, वो था भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी। तो कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की, इसने की थी जर्मनी की। नेक्स्ट है 18 नंबर, ईसाबेल कहाँ की रानी थी। तो ईसाबेल का, सॉरी 17 नंबर का क्वेश्चन है, पहले कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी। तो कैप्टन कुक ने खोज की थी ऑस्ट्रेलिया की। किसकी खोज की थी, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। नेक्स्ट है 18, ईसाबेला कहाँ की रानी थी। तो ईसाबेला आपकी थी स्पेन की। कहाँ की रानी थी, स्पेन की रानी थी। नेक्स्ट है, कैब्रल नामक पुर्तगाली जहाजी ने कहाँ का पता लगाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील का। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन आपका, 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम में। नेक्स्ट है, किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 15वीं से 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण का केंद्र बना था। तो पुनर्जागरण का केंद्र बना क्या, कौन सा, तो ये बना था इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्माशा अंत द्वीप कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बार्थोलोमियो डियाज ने। 25th क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई। तो अमेरिका की खोज की गई थी 1492 में। कब की गई, 1492 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुस्तुन तूनिया का पतन किस वर्ष किया गया।
तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1453 में। 27 क्वेश्चन है आपका, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैगलेन ने। किसने लगाया था विश्व का चक्कर? मैगलेन ने सबसे पहले लगाया था। 28 नंबर है, मैगलेन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 1519 ईस्वी में। 29 वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। कब लगाया था? 1498 ईस्वी में लगाया था। नेक्स्ट, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल मजीद ने। किसने बताया था? अब्दुल मजीद ने बताया था। 31 क्वेश्चन है, कुबलई खान कहाँ का निवासी था? तो कुबलई खान कहाँ का निवासी था? वो चीन का निवासी था। 32 क्वेश्चन, न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी सर जॉन सेबास्टियन कैबॉट ने। नेक्स्ट, डिवाइन कॉमेडी की रचना की तो ये किसने की थी? 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपके दाते ने। नेक्स्ट 34, सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा रोम में। नेक्स्ट 35 नंबर का क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। नेक्स्ट है 36, नए समुद्री मार्गों की खोज से किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच। नेक्स्ट है 37, हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है 38, गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरबीन का। गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट 39, नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिको वेस्पुसी ने। नेक्स्ट 40 नंबर का, अंधकार युग की अवधि थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं से 14वीं सदी। नेक्स्ट 41, आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं 16वीं सदी में। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, हमारा सेकंड है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका का पता लगाया था आपके कोलंबस ने। नेक्स्ट है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वॉशिंगटन। थर्ड है, नेविगेशन एक्ट नौवहन अधिनियम कब पास हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1651 में। फोर्थ नंबर है, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस जेफरसन ने। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। नेक्स्ट है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बॉस्टन टी पार्टी। एट नंबर है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी? तो ये क्या है इसका? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। नाइन्थ क्वेश्चन है, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जॉर्ज वॉशिंगटन। टेंथ नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन है।
11 नंबर क्वेश्चन है, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, टॉमस पैन ने। नेक्स्ट है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किसी वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किस वर्ग ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी, मध्यम वर्ग ने। 13 नंबर का है क्वेश्चन, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो ये था जिनेवा का। 14 नंबर है, सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, इंग्लैंड की। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1774 को। 16 है, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1783 में। 17, इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा 13। नेक्स्ट है, 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कोलंबस ने। 19 है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन और फ्रांस। 20 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जॉर्ज तृतीय। नेक्स्ट, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पेरिस की संधि। नेक्स्ट, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1765 में। 23, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कॉर्नवालिस। प्लीज़ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये औरों के भी काम आ सके। 24, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1789 में। नेक्स्ट, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। 26 क्वेश्चन है, किसी संधि नंबर है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का सी, अमेरिका में। 26, किसी संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पेरिस की संधि। कौन सी संधि थी? पेरिस की संधि। 27, अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, स्पेन ने। 28, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सैमुअल एडम्स ने। किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने दिया था। 29 का, स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रैनविले ने। 30 नंबर का, 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड नॉर्थ ने। 31, स्वाधीनता की पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। 32 है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी, वॉशिंगटन। 33, बॉस्टन की चाय पार्टी की घटना घटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का डी, 1773 में। बॉस्टन की चाय पार्टी की घटना घटी, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा, 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 1773 में।
नेक्स्ट है, किस क्रांति में नारा दिया गया प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। 35 है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1775 में। थर्टी सिक्स है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 1775 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा लेक्सटन में। 38 है, जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों में आक्रोश पनपा? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिगत शासन की नीति। 39 है, अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्यूरिटन को। 40 है, क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट है, आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आयरलैंड को। 42 नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका को। 43 है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मॉन्टेस्क्यू को। 21 आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1782 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अमेरिका उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गवर्नर।